दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्किंग की इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है और हमें इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, आपका घर है और उस घर में आपके घर के मेंबर्स हैं और उन सब के पास लैपटॉप और डेस्कटॉप हैं, और आप चाहते हैं जो उनके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है वो आपस में कम्युनिकेट करें आपस में, और अगर आपके घर में इंटरनेट आ रहा है तो आप उनको इंटरनेट एक्सेस भी दे सके, इंटरनेट भी दे सके यूज़ करने के लिए। तो इसी आपस इसी कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना पड़ता है। दोस्तों, सेकेंड एग्जांपल, आपका एक छोटा सा ऑफिस है, उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं काम करते हैं और वो सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, और आप चाहते हैं उन कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराना, और अगर इंटरनेट आ रहा है वहाँ तो उन सबको इंटरनेट भी आप दे सकें, तो उसके लिए आपको लोकल एरिया नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए मैंने ये डायग्राम बना रखा है, और मैं आपको इस एग्जांपल से जो है लोकल एरिया नेटवर्क बनाना सिखाता हूँ। तो देखिए, मेरे पास जो है वो 6 कंप्यूटर्स है। फॉर एग्जाम्पल, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, और एक मैंने लैपटॉप ले लिया है। तो इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक हब लेता हूँ या स्विच लेता हूँ। आप हब भी ले सकते हैं या स्विच भी ले सकते हैं। ये मैंने 8 पोर्ट का हब और स्विच ले लिया है, ठीक है। और अब जो मेरे कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर को मैं इथरनेट केबल, जो लैन केबल केबल भी इसको कहते हैं, या इथरनेट केबल भी हम उनको कहते हैं, उसको वन बाय वन इन स्विच के पोर्ट में कनेक्ट कर दूंगा। जैसे कि PC1 है, PC1 को मैंने ये हब या स्विच के पोर्ट में एक पोर्ट में कनेक्ट कर दिया लैन केबल के थ्रू। ऐसे PC2 को मैंने कनेक्ट कर दिया है, आप एरो से देख सकते हैं। PC3 को मैंने कनेक्ट कर दिया है, PC4 को मैंने कनेक्ट कर दिया है, PC5 को ऐसे ही मैंने लैपटॉप को हब से कनेक्ट कर दिया है। अब ये आपस में कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, मगर अभी नेटवर्किंग नहीं करेंगे, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अब इन सबको आपको इंटरनेट भी देना है, तो आपके घर में इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, आपके पास ये राउटर है, राउटर आपके इंटरनेट आया, आपके राउटर के पोर्ट में आपने इंटरनेट का कनेक्शन दिया जो कि लैन के थ्रू ही आएगा। उसके बाद जो है एक जो राउटर का पोर्ट होगा उससे आप एक लैन केबल के थ्रू, इथरनेट केबल के थ्रू आप अपने हब या स्विच में दे दे, किसी भी पोर्ट में आप दे सकते हैं हब या स्विच के, ठीक है। अभी आपस में सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, अभी भी ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको कम्युनिकेट कराने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगी इन सारे कंप्यूटर्स में, सारे कंप्यूटर्स में। तो मैं आपको एक कंप्यूटर का बताऊंगा, ये ऐसे ही आपको सारे कंप्यूटर का करना पड़ेगा। तो आपको करना है क्या, आपको PC1 में जाना है, मैं पहले PC1 का बता रहा हूँ, उसकी आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आप जो मेनू का जो नीचे होता है ऑप्शन, वहाँ से सेटिंग में जाना है अपने कंप्यूटर के। जैसे मेरा लैपटॉप है या कंप्यूटर है जो भी है, इसके मैं जो मेनू का होता है वहाँ आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग आएगा। सेटिंग के अंदर नेटवर्क और इंटरनेट में जाएंगे, इथरनेट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद अडेप्टर चेंज अडेप्टर ऑप्शन आएगा, उसके बाद इथरनेट टू या वाट एवर जो भी आएगा, बेसिकली आपको इथरनेट में जाना है, फिर उसके राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज में जाना है, फिर वहाँ एक ऑप्शन आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, TCP/IP वर्जन 4, उसके अंदर आपको ऐसा बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको बॉक्स खुल जाएगा। तो ऐसा बॉक्स खुलने के बाद आपको सबसे पहले ये लिखा आएगा ऑप्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पर जो है मार्क करके कर्जर से ऐसे मार्क करना है आपको, उसके बाद आपको ओके कर देना है, ओके करके बाहर जाना था। ये सेटिंग उसके अंदर जो है सेट हो जाएगी इस PC1 में। ऐसे आपको PC2 में करना है, ऐसे PC3 में करना है, ऐसे आपको PC4 में करना है, ऐसे आपको PC5 में करना है, ऐसे आपको लैपटॉप में करना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो इन सारे कंप्यूटर्स में इंटरनेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो इंटरनेट कैसे आएगा, जो आपका राउटर है वो ऑटोमेटिकली इन सारे कंप्यूटर को एक IP एड्रेस असाइन कर देगा, और वो सारे जितने भी कंप्यूटर हैं वो इंटरनेट एक्सेस कर लेंगे, ठीक है।
ऑटोमेटिकली उनको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, आप जो है इंटरनेट नहीं देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये सारे कंप्यूटर्स हैं, इनको ऐसे ही मैं कनेक्ट कर देता हूँ जैसे ये कनेक्टेड है, मगर मुझे इनको मैं इंटरनेट नहीं देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस राउटर को छुपा लेता हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि मैंने इंटरनेट दिया ही नहीं है, मगर फिर भी मैं इन सबको आपस में कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ। ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या करना है, कोई एक रेंज लेना पड़ेगी आपको आईपी एड्रेस की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रेंज लेता हूँ आईपी एड्रेस की, डिसाइड करता हूँ 192.168.0.1। मैं ये आईपी एड्रेस की एक सीरीज़ लेता हूँ। मुझे इसी सीरीज़ में जो है इन सारे कंप्यूटर्स को मैनुअली आईपी एड्रेस देना पड़ेगा आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आपको सेम इसी सीरीज़ का मतलब ये है, अगर इस लैपटॉप का मैं इस लैपटॉप को जो हूँ वो सॉरी इस डेस्कटॉप को जो हूँ मैं आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.0. इसको 1 रखता हूँ, ठीक है। और इसको अभी कैसे देंगे वो आपको बताऊंगा मैनुअली। मैं आपको इसको देता हूँ 192.168.0.2। सीरीज़ का मतलब ये आखिर का जो होगा मैं उसको, मैंने बन दिया तो उसको 2 दूंगा। इसी सीरीज़ में देता हूँ, इसको मैं देता हूँ 192.168.0.3, ठीक है। उसके बाद इसको देता हूँ मैं 192.168.0.4, ओके। इसको देता हूँ मैं 192.168.0.5, इसको देता हूँ मैं 192.168.0.6, ठीक है। सेम सीरीज़ में मैंने दे दिया। अब देंगे कैसे, मैंने पहले असाइन कर दिए, मैंने आपको बताया कि ये देनी है। अब देना देंगे कैसे, मैं पहले एक कंप्यूटर का बताऊंगा, सारे कंप्यूटर में आपको वैसे ही देना पड़ेगी। देखिए फिर से मैंने ये उठा लिया, आप फिर से इसके इथरनेट में जाएंगे, जो भी आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप यूज़ कर, इथरनेट में जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये ऑप्शन आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐसे ही पेज खुल जाएगा, ठीक है। ऐसा पेज खुल जाएगा तो उसमें लिखा होगा पहला जैसे ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो पहले जो है वो राउटर से ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस ले रहा था, अब हमें मैनुअली देना, तो यहाँ से हटा के आपको ये जो हमने यहाँ पर किया था इसको ऐसे हटा देंगे। मैं ये हटा नहीं, इसका मतलब मैं यहाँ कर दूंगा इधर क्या, नीचे यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, ठीक है। अब मैं इसको मैनुअली देने के लिए है, मैंने इसको हटा दिया, देखिए मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा ऐसे। तो पहले वाले पीसी का मैंने क्या दिया था, यहाँ आपको मैनुअली देना पड़ेगा 192.168.0.1, ठीक है, पहले वाले कंप्यूटर का। ये सबनेट मास्क वो अपने आप ले लेगा, ऑटोमेटिकली लेगा 255 यहाँ पर लेगा, ठीक है। इधर ही दिखाता हूँ आपको, 255.255.255.0, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो ये ले अपने आप ले लेगा, केवल आपको ये देना है, बाकी वो अपने आप ले लेगा। देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके का बटन दबा के सेव करके इसको वापस आ जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इन सारे कंप्यूटर में देनी है, इसमें भी ऐसे देनी है आईपी एड्रेस जो मैंने असाइन की हुई है ये वाली, इसमें भी ऐसे देनी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। फिर ये आपस में कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे। कम्युनिकेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आपको पहले वाले कंप्यूटर उठाना है, इसके CMD में जाना है, जो CMD में जाना है, CMD में जाके आपको उसमें आप डालेंगे पिंग, डालेंगे पिंग करके आपको आईपी एड्रेस देना है। फॉर एग्जांपल इस वाले का आईपी एड्रेस में दे देंगे पिंग में, तो वो अगर आपस में दोनों कम्युनिकेट हो रहे हैं तो ये फिर TTL करके दिखा देंगे, तो इसका मतलब है आपस में ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे जो है हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको ब्रीफली बिल्कुल समझा लिया है, आपको यही प्रोसीजर करना है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच।